कांग्रेस ने प्रदेश के अफसरों और बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव कराने वाले जिला निर्वाचन कार्यालय बीजेपी ऑफिसों की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायसेन कलेक्टर को शासकीय सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष कटारे ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि रायसेन कलेक्टर जेके जैन ये धमकी कैसे दे सकते हैं कि वो बी फॉर्म निरस्त कर देंगे। उन्हें इस कृत्य के लिए सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ ही जबलपुर की घटना को लेकर आईजी जबलपुर सहित कलेक्टर और एसपी को तत्काल हटाने और विधायक प्रतिभा सिंह पर धारा 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा जब लगातार उस क्षेत्र में गड़बड़ी की आशंका जता रहे थे तो स्थानीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसीलिए सभी अफसरों को वहां से हटाया जाए। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, पूरे प्रदेश के जिला निर्वाचन कार्यालय ऐसे काम कर रहे हैं जैसे बीजेपी कार्यालय हो। चुनाव आयोग का कहीं अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। जबलपुर जैसी घटनाएं और जिले में न हो पाए और जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में गुंडे या उनकी पार्टी को लोग गुंडे के रूप में जो आतंक फैलाना चाह रहे हैं, इसको निर्वाचन आयोग को रोकना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ये मैसेज देना चाहिए कि जबलपुर से तीनों अधिकारियों को हटाना चाहिए, वहाँ का एसपी, वहाँ का कलेक्टर और वहाँ का आईजी। ये तीनों भेदभाव कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बनकर काम कर रहे हैं। और रायसेन कलेक्टर ने तो हद कर दी जब वो एक नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के लिए ये खबर कहता है कि हम आपका फार्म रिजेक्ट कर देंगे। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए। पत्रकार वार्ता के दौरान सत्यदेव कटारे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी रात 2 बजे तक कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह के साथ थे और ऐसा क्या हो गया कि सुबह 9:30 बजे वे बीजेपी में चले गए। कटारे से पूछा गया कि आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसा है कि विधायक पार्टी छोड़ जाते हैं और आपको सूचना तक नहीं लगती, तो उन्होंने कहा कि आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम इतने पावरफुल हो गए हैं कि व्यक्ति किससे बात कर रहा है इसका पता ही नहीं चलता। उन्होंने कहा कि अब हम चुनाव लड़ें कि इन आयाराम गयाराम पर नजर रखें। कल रात को भी अजय सिंह जी और नारायण त्रिपाठी साथ साथ थे, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। राजीव शुक्ला जी केंद्रीय मंत्री वो थे और उसमें उन्होंने भाषण भी दिया और बोला भी कि कितने हजार से कांग्रेस को कहां से जिताएंगे, इस तरह का कुछ भाषण किया। अमित शाह पटेल का रोड शो हुआ, उसमें भी वो साथ में थे। अब रात से सवेरे तक में क्या हो गया पता नहीं। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में इस तरफ घूमे उस तरफ घूमे, वो काम देखेंगे कि अपने एमएलए का ये देखेंगे उनका टेलीफोन किससे मिल रहा है, किससे कनेक्शन मिल गया है। राजनीति में जब इतनी चीजें होने लग जाएंगी और इतनी जल्दी होने लग जाएंगी और इस नई टेक्नोलॉजी से होने लग जाएंगी तो इसमें कौन कहा निगरानी कर लेगा। ईएमएस टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।